जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जावा में क्लास क्या होती है। तो क्लास को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम सभी लोग प्रोग्रामर है और भारत सरकार क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जितने भी भारत देश के अंदर खिलाड़ी है, इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सबको कुछ पैसा देना चाह रही है। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अब सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या हमारा तरीका होगा? तो इंडिया में तो बहुत ढेर सारे खिलाड़ी हैं, अगर एक एक खिलाड़ी के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे तो कितना बहुत टाइम लगेगा ना, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ सोचना पड़ेगा। तो जो हम सोचेंगे, जैसे प्रोग्राम बनाएंगे, वही कुछ वही क्लास हो जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी प्लेयर है ना, उन प्लेयर की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि हर प्लेयर का नेम होगा, हर प्लेयर कुछ ना कुछ खेल खेलता होगा, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, कबड्डी होगा, कोई सा खेल खेलता होगा ना। तो कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन बिहेवियर के नाम पे, कॉमन प्रॉपर्टी के नेम पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे। तो वो हर खिलाड़ी का क्या होगा, हर खिलाड़ी में वो चीज कॉमन होना चाहिए। तो अगर ऐसे हमने कर लिया तो वही क्या हो गई, क्लास हो गई। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अगेन यूपी गवर्नमेंट, जितना यूपी में जितने किसान है सबको कुछ पैसा देना चाह रही है। तो उस केस में अब आपको मिल गया सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या हमारा अप्रोच होगा? अप्रोच क्या होगा, आप कॉमन प्रॉपर्टी चेक करो। कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी किसानों क्या हो गई भाई, हर किसान का नाम होगा, उसका आधार नंबर होगा, उसके पास क्या होगी, कुछ न कुछ लैंड होगी, और क्या होगा, वो किसी न किसी चीज की खेती करेगा, तभी तो वो किसान होगा ना। ये जितने किसान होंगे सब में कॉमन होगा। तो हम लोग क्या करें, किसान नाम से एक क्लास बना लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि जितने स्टूडेंट हैं इंडिया में या पूरे यूपी में, और उन स्टूडेंट को जो है यूपी गवर्नमेंट क्या देना चाह रहे, जॉब देना चाह रही है या कुछ पैसा स्कॉलरशिप देना चाह रही है। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है या एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आप कैसे करोगे, तो क्या बनाओगे, जावा में क्लास बनाओगे। क्लास इज वेरी एसेंशियल। अब क्लास का मतलब क्या होगा कि आप जो प्रोग्राम करना है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी देखो। तो जितने यूपी की या इंडिया के स्टूडेंट, सब में क्या कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, हर स्टूडेंट का नेम है, हर स्टूडेंट का कॉलेज है, हर स्टूडेंट का क्या है, बैंक अकाउंट नंबर है, हर स्टूडेंट की क्या है, ब्रांच है। तो ये सब, ये हर स्टूडेंट में कॉमन है। तो आप क्या करोगे, हमने एक क्लास बना लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो क्लास का ये जनरल मीनिंग हुई क्लास का, कि लेमैन की लैंग्वेज में क्लास क्या होता है। जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडियन रेलवे में क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, और थर्ड क्लास की क्या होती है, जो उसमें कोच लगे होते हैं ना, तो वो उसमें वो है क्या एक्चुअल में। तो क्लास क्या मतलब, फर्स्ट क्लास जो है उसमें क्या है, फर्स्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टी है ना, जो भी उसका टिकट लेगा वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट क्लास की प्राइस अलग होगी, फर्स्ट फर्स्ट क्लास में सीट नंबर गिवन होंगे, और फर्स्ट क्लास का जो है ना कोच नंबर डिफरेंट होगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जावा में क्लास बनाते हैं। इसी को हम लोग समझते हैं कि क्लास एक्चुअल में क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास होता क्या है। तो जो मतलब ये होता है ना क्लास, कि कुछ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास को डिजाइन करते हैं। तो एक क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे मैं आप दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये बोला गया जितने इंडिया में आदमी है सबका क्या करना है, आपको रिकॉर्ड बनाना है। तो आप कैसे करोगे, तो जितने इंडिया में आदमी है सबका नाम है, सबका आधार नंबर है, सबका पैन नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आदमी नाम की एक क्लास बना सकते हैं, और उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या कॉमन है उसमें, आधार नंबर, पैन नंबर, उनका नेम, ये कॉमन कर सकते हैं। तो क्लास क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लास। और क्लास क्या होता है, लॉजिकल एंटिटी होती है, इट कैंट बी इट कैन नॉट बी फिजिकल। अब लॉजिकल कैसे होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने इंडिया में स्टूडेंट हैं सबका आप रिकॉर्ड बनाओ, तो आप पहले तो क्लास बनाओगे ना, क्लास बनाओगे, तो जो क्लास बनाओगे क्लास में क्लास किस बेस बनाएंगे, कॉमन प्रॉपर्टी बेस पे। तो क्लास क्या होगा, स्टूडेंट, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, सबका नेम होगा, रोल नंबर होगा, और उनका जो है कॉलेज होगा, और उनका जो भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो जो सब में कॉमन होगा। तो अभी किसी स्टूडेंट को आपने दिया थोड़ी ना, वो तो आपने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये क्या है, ये लॉजिकल एंटिटी है ना। जब स्टूडेंट को असाइन करोगे तो हर स्टूडेंट का क्या होगा, वो हर स्टूडेंट उस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेगा, उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा।
तो दैट्स व्हाई ये क्लास क्या होती है, लॉजिकल एंटिटी होती है ये। मतलब जैसे अगर हमने क्लास क्रिएट किया तो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लिया, वो इट कैन नॉट बी फिजिकल, ये फिजिकल नहीं है। और क्या होता है, अगर आप सिर्फ क्लास बना रहे हो ना तो वो मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेगा। मेमोरी में स्पेस कब लेगा, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लास। अब क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो क्लास के अंदर क्या हो सकता है, फील्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक किसी क्लास, जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर फील्ड हो गए, या क्लास के वेरिएबल हो गए, या मेंबर हो गए क्लास के, मेथड हो सकता है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्लास के अंदर ब्लॉक्स हो सकते हैं, और क्लास के अंदर नेस्टेड क्लास और इंटरफेस भी हम लोग बना सकते हैं। इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या तरीका है क्लास को क्रिएट करने का। तो क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ इक्लिप्स खोला और हमने एक क्लास बनाया। मान लीजिए हम एक क्लास बना रहे हैं कि यूपी में जितने भी जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन सब का रिकॉर्ड बनाना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास बनाएंगे। किसका क्लास बनाया, मान लो हमने लीडर। तो क्लास का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, LEADER, लीडर्स बना लिया हमने। अब क्लास का हमने देखो, ये हमने हमारी क्लास बन गई सिंपली। ये क्या है, ये क्लास का सिंटेक्स हो गया। देखो ये पब्लिक क्या होगा, ये मॉडिफायर हो गया, और ये क्लास क्या हो गया, हमारा कीवर्ड हो गया, और ये क्लास का नाम क्या है, लीडर है। अब ये बताओ जितने यूपी में लीडर हैं, जितने इंडिया में लीडर हैं, सबका क्या होगा, सबका नेम है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग। ये हर लीडर का नाम हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया। ये क्लास क्या हो गया, जितने नेता हैं सबका क्या है, नेम हो गया। अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो क्या ले लिया, स्ट्रिंग हमने ले लिया स्ट्रिंग, और हमने ले लिया पॉलिटिकल पार्टी ले लिया। ये क्या हो गया, ये हर नेता, अगर कोई नेता है तो वो किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी में होगा ना, इंडिपेंडेंट हो सकता है, डजंट मैटर, बट जितने भी नेता होंगे तो हर नेता का नाम भी है, हर नेता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, और जितने भी नेता है ना उनकी क्या होगी, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, मतलब कहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग, और उनकी हम लोग क्या ले लिया, कंस्टिट्यूंसी ले लिया, कंस्टिट्यूंसी। ये हो गया, तो ये क्या हो गया ना, हर नेता में ये कॉमन है। अब जितने भी नेता, कोई भी नेता ले लो आप, मान लो नरेंद्र मोदी जी को ले लिए, प्रधानमंत्री जी को ले लिए, उनका नेम है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहाँ से चुनाव लड़े हैं। राहुल गांधी जी को ले लिया, तो राहुल गांधी क्या है, नेम है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, और वो कहां चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो ये अब ये क्या बन गया, ये क्लास बन गया। तो अब जितने भी नेता होंगे, सब जितने ऑब्जेक्ट, जिस नेता को आपको असाइन करना है आप असाइन करते जाओ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोला गया कि भाई जितने इंडिया में फॉर्मर हैं, अब मोदी गवर्नमेंट हर फॉर्मर को क्या करना चाह रही है कि कुछ सब्सिडी देना चाह रही है, तो आप क्या बनाओगे, एक हमने फार्मर क्लास बना दिया। देखो ये हमने फार्मर क्लास बना लिया। अब फार्मर क्लास देखो बन गई है हमारी। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है, पब्लिक लिखेंगे क्लास का, क्लास कीवर्ड, और जो क्लास बना रहे हो। अब फार्मर की क्या कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो फार्मर में कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो हर फार्मर में होगी। तो जैसे मान लो हमने ले लिया स्ट्रिंग, भाई फार्मर है तो उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो ये नाम ले लिया हमने। फिर हमने अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसके पास कुछ खेत होगा ना, कुछ लैंड होगी उसके पास, एग्रीकल्चरल लैंड होगी। तो अब एग्रीकल्चरल लैंड, तो हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया स्ट्रिंग, और उसकी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमने ले लिया। इसके बाद अब क्या हो सकता है कि वो किस चीज की खेती, क्या उगाता है ना, वेजिटेबल उगाता है या फिर कोई क्रॉप उगाता है, सीरियल क्रॉप उगाता है, तो ये भी हमने क्या ले लिया स्ट्रिंग ले लिया। और जो है ना यहाँ पे हमने क्या क्रॉप होता है, तो ये क्रॉप ले लिया। और क्या हो सकता है भाई, मान लीजिए इंटीजर में उसका पैसा चेक करना है, इंट, तो हमने उसकी मनी मतलब कितना पैसा है उसके पास, ये हमको जानना है उसी के बेस पे। तो ये देखो हर फॉर्मर में ये कॉमन होगा। अब इसी ये क्या बन गई, क्लास बन गई इस क्लास के अंदर। तो ये क्लास बनाने का तरीका होगा। और जो हमने ये तीन चार लिखा है ना, ये क्या है, इसके मेंबर है, वेरिएबल है। अब अच्छा दूसरी बात और समझते हैं, ये तो नेम हो गया, अब फॉर्मर का काम क्या है, तो फॉर्मर का काम क्या है, क्या फंक्शन है। तो फंक्शन को हम लोग जावा में क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, मेथड। अब उसका जो किसान है उसका काम क्या है, उसका काम क्या क्या है, खेती करना, एग्रीकल्चर मतलब खेती करना है। तो हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक मेथड मतलब क्या काम है, वर्ड,
और वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है ना, AGR एक एग्रीकल्चर का ये हमने एक मेथड बना लिया। देखो ये क्लास के अंदर, अब मेथड में इसमें हमने लिख दिया भाई क्या करता है वो, तो वो क्या करता है यहाँ देखो, ये एग्रीकल्चर उसका काम क्या है, AGRUTUR, ये हो गया, ये सिंपली क्लास बन गई। ऐसे ही लीडर्स में है, तो अब लीडर्स में हर नेता का नाम होगा, उसकी पॉलिटिकल, नेता काम क्या है, चुनाव लड़ना, इलेक्शन लड़ना ना, तो अब इलेक्शन लड़ना उसका काम हो गया ना, काम का मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शन मतलब मेथड, तो क्लास के अंदर मेथड भी हो सकता है। तो देखिए मेथड क्या हो गया, मान लो हमने मेथड पब्लिक ले लिया, पब्लिक क्यों लेते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, रिटर्न टाइप हमने ले लिया वर्ड, और काम क्या इसका, चुनाव लड़ना ना, इलेक्शन, तो यहाँ पर हमने देखो इलेक्शन ले लिया, ये इलेक्शन इसका काम हो गया, और इलेक्शन ये हमने मेथड बना लिया, अब ये इलेक्शन लड़ेगा, तो अब जो ये देखो ये इलेक्शन लड़ेगा, तो इलेक्शन यहाँ इसका ये मेथड हो गया, इसमें हमने लिख दिया टू पार्टिसिपेट इलेक्शन, ये हो गया, ये सिंपली हो गया। तो देखो इस, देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लास समझ में आ गया होगा, दैट इज ऑल अबाउट द क्लास।